उत्तर भारत में धुंध के चलते हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिक्कतें कम नहीं हो रही। क्या है दिक्कत और इससे कब तक मिलेगा छुटकारा, इस पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे है, उनसे बातचीत करते हैं। अमरीश, वैसे तो हर साल का रोना है कि धुंध के चलते कई एयरलाइंस हैं वो प्रभावित होती हैं। दो दिनों में तो इस बार करीब 1000 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, तो ये जो हवाई यात्रियों पर कोहरे का कहर है वो कब तक जारी रहेगा? देखिए, कोहरे पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है, वो तो मौसम की वजह से है, लेकिन ये जरूर है कि एयरलाइंस की और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की तैयारी पूरी नहीं है और उनकी लापरवाही है जो कि यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। और यही वजह है कि जी बिजनेस ने यह सवाल सीधा मंत्रालय से पूछा था। एविएशन मंत्रालय से पूछने के बाद आज एक बड़ी अपडेट एविएशन मंत्री की तरफ से आई है, जहां उन्होंने सख्त निर्देश जारी किया है एयरपोर्ट ऑपरेटर GMR के लिए, क्योंकि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो अपने आप में देश का नंबर वन एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा रनवे है इसके पास, CAT-3 टेक्नोलॉजी से लैस सारे रनवे हैं। बावजूद इसके सभी रनवे ऑपरेट नहीं हो पा रहे थे। इसके साथ साथ जो CAT-3 से ऑपरेटेड रनवे है उनपे उड़ाने प्रभावित थी, क्योंकि उसके आसपास कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी थी, क्रेन्स थी जो कि विमानों के रास्ते में बाधा बन रही थी। आज जो एडवाइजरी जारी हुई इसमें साफ कहा गया है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है इस तरह की व्यवधान को तत्काल प्रभाव से दूर करें और रनवे को चालू करें। इसके साथ एयरलाइंस के लिए एक नई SOP DGCA की तरफ से जारी होगी, जिसमें एयरलाइंस को ये बताया जाएगा कि किस तरह से समय रहते वो ग्राहक को अपडेट दें और उनको बेवजह जो हो रही परेशानी है उनसे बचाया जा सके, क्योंकि अक्सर ये देखा गया था कि एयरलाइंस ग्राहकों को अपडेट नहीं दे रही थी समय रहते। इस वजह से एयरपोर्ट पे एक बड़ी भीड़ जो है परेशान हो रही थी, उनको अपडेट नहीं मिल पाने के कारण, उनकी फ्लाइट के कैंसिलेशन के ही अपडेट नहीं मिल पाने के कारण या फिर नई फ्लाइट की जो रीशेड्यूलिंग है इस ये नहीं हो पाने के कारण उनको परेशानी हो रही थी। और इसके लिए DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर एक SOP जारी करेंगे जो कि आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक जारी होने की उम्मीद है, जिसमें स्पष्ट होगा कि कितने समय तक की देरी होती है तो किस तरह से इन्फॉर्म करना है, किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए ये सारी अपडेट जारी करनी है। इसके अलावा अगर ऐसी कोई परेशानी आती है जिसमें कि फ्लाइट लंबे समय तक डिले होती है तो क्या क्या सुविधाएं आपको कंज्यूमर को देनी होंगी, ये सब कुछ स्पष्ट तौर पे लिखा जाएगा। तो यानी कि जो परेशानी अभी तक ग्राहकों को हो रही थी उसको दूर करने की एक बड़ी कवायद है जो कि अगले कुछ दिन तक चलती रहेगी। स्वाति जी, तो ये बड़ी कवायद है और जी बिजनेस ने भी आवाज उठाई है, जल्दी बैठक बुलाई जा सकती है। किस तरीके से एयरलाइंस खराब मौसम का हवाला देती है लेकिन पूरी तरह तैयारी नहीं है एयरलाइंस की, ये बात तो जरूर सामने आई है। धन्यवाद करेंगे आपका अमरीश इस अपडेट के लिए। तो आपको बताएं कि हवाई सफर अगर करने जा रहे हैं तो आप तो सावधान हो जाइए।